आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि इस माहौल में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के कई तरीके की अफवाहें वो आम हो चुकी हैं और कई सारे यूट्यूब चैनलों ने तो 2023 तक का आपको वक्त दे दिया है कि 2023 तक का विज्ञापन आएगा। देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अर्हता संबंधी चाहे जितने भी बड़े विवाद क्यों ना हो, उतना बड़ा विवाद फिलहाल नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और मुख्यमंत्री महोदय तक फाइल पहुंचवाने की जो मुहिम थी, उस मुहिम में आपका यही चैनल सबसे आगे आया और अर्हता संबंधी विवाद चाहे कितना भी क्लिष्ट क्यों ना हो जाए, हालांकि ये विवाद कुछ नहीं है, चाहे तो एक दिन में इसको सलटा सकते हैं, एक दिन में क्या, एक घंटे में सलटा सकते हैं, लेकिन कहते नहीं कि अधिकारियों की जो उदासीनता है, अब आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि 17 पत्र जारी होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों ने और अध्यक्ष ने विज्ञापन आपका जारी नहीं किया था, है ना। ऐसे ही ये समकक्ष संबंधी जो विवाद है, इस विवाद का पटाक्षेप 2023 तो नहीं लगेगा फिलहाल, जैसे कि कुछ चैनल बात कर रहे हैं इस बारे में और कई माध्यमों से आप लोगों को जो है सोशल मीडिया पे भी ये सारी बकवास चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी। हम फील्ड में रह करके कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और जितना प्रयत्न हो सकता है उतना प्रयत्न आप लोगों के लिए करते भी हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है, व्यस्तताएं हर इंसान की होती हैं लेकिन अपनों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के समकक्ष से संबंधी मुद्दे को, जो कि लगभग 10 विषयों का समकक्ष से संबंधी मुद्दा साल्व हो गया है, केवल 2 ऐसे विषय हैं जिनका मुद्दा अभी साल्व नहीं हुआ है, जिनकी वजह से विज्ञापन रुका है। उन 2 विषयों में सम्मिलित है आपका गणित और आपका कला, ये 2 विषय शामिल हैं। शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता में, जीआईसी प्रवक्ता में, समाज शास्त्र जीआईसी प्रवक्ता में, हिंदी, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, इन सभी में अच्छे खासे पद आपको इस बार देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि जुलाई माह में नया शैक्षिक सत्र चालू होने चल रहा है, 15 मई तक आपका यूपी बोर्ड का परिणाम आने चल रहा है, 15 से 20 मई के बीच में आएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो आज आपको दिक्कतों के बारे में बता देते हैं। जो आपके पुरानी भर्तियों के पद थे, लगभग 4650 पदों की जानकारी हमें है, उन पदों को नए अध्यातनों में जोड़ा नहीं जा रहा, जिसे बार बार ज्ञापन दे करके, बार बार मुलाकात करके जो है आपके विज्ञापन उसको जुड़वाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज है एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो विवाद है, उस विवाद का पटाक्षेप, उस विवाद का पटाक्षेप तभी होगा जब तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समकक्ष संबंधी विवाद को का जवाब नहीं दे देता, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री महोदय से जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो सर्वप्रथम यही मुद्दा सामने आया था आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए। समकक्ष संबंधी जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपके
मई माह में ही साल्व होंगे और मई माह में ही आपका एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक माह के भीतर आपके विज्ञापन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, परीक्षाएं आपकी तय शेड्यूल पे होंगी, आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा निदेशालय से, लोक सेवा आयोग से और मुख्यमंत्री कार्यालय से हम लोगों ने एक नहीं तीन तीन चार चार पत्र जारी करवाए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल और दुष्कर कार्य है कि जो विवाद 2018 के एल्टीग्रेड के विज्ञापन में हुआ वह विवाद 2022 के एल्टीग्रेड के विज्ञापन में ना होने पाए, इसके लिए अभी से ही एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को विज्ञापन जारी होने के 3 माह के अंदर ही कंप्लीट किया जा सके। जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग के पास उतनी ताकत है, उतनी सिस्टम है उनके पास कि वो 2 से 3 महीने के भीतर में एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करा सकते हैं, उनका उतना सेटअप है, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं कराते रहते हैं इसलिए उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। और नए जो आपके जीआईसी कॉलेजेस खुले हैं, 491 विद्यालय खुले हैं उत्तर प्रदेश में और उनको मान्यता मिली है, उनमें अभी शिक्षकों का पूर्णतया अभाव है, उनको संचालित करने के लिए जो है अध्यापकों की नियुक्ति करनी ही होगी और इसके लिए शासन पूरी तरीके से मन बना भी चुका है। मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाना चाहता हूँ मई प्रथम सप्ताह में आपका समकक्ष संबंधी जो विवाद है, जो अर्हता संबंधी जो विवाद चल रहा है एलटी ग्रेड का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। गणित और कला विषय की समकक्ष संबंधी विवाद को सॉल्व किया जाएगा। जहाँ तक कि जो ये सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर देते हैं, अब ये चीज़ें आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तय करेगा कि बीटेक गणित में अप्लायर हो सकता है अथवा नहीं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आपका समकक्ष संबंधी विवाद डिक्लेयर हुआ उसके 48 घंटे के भीतर Within 48 hours में आपका एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। मैं भी फील्ड में रहकर के काम करता हूं तो मुझे सारी चीजें जो है जानकारी है उस बात की। अब बात कर लिया जाए आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के इसमें सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 28 लोगों ने सदस्यों के 10 पद हेतु और अध्यक्ष के जो मतलब चुनाव होना है अध्यक्ष के लिए 3 नामों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख है। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि बाबा मुख्यमंत्री किसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सर्वेसर्वा बनाते हैं, ये तो आने वाला 14 से 17 तारीख के वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपको 15 से 16 तारीख के बीच में आपके सारे सदस्य जितने भी हैं 10 हैं आ जाएंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और तत्काल आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा। तत्काल टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का प्रोग्राम जारी होगा जो पेंडिंग में है, नए संस्था प्रधानों का विज्ञापन आएगा, साथ ही साथ आपके जो है बायोलॉजी टीजीटी 2021 का परिणाम जारी होगा, विद्यार्थियों का जो समायोजन आज नहीं हुआ है वो समायोजन होगा और लगभग 10% जो विषयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, क्योंकि रिक्त रही तो अभी उनको समायोजित करने का कार्य चल रहा है और तदर्थ शिक्षकों के पदों को फ्रेश कंपटीशन में लाया जाए इसके लिए कंपेनिंग की जा रही है आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और ये बातें मुख्यमंत्री महोदय तक और ये बातें आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया तक पहुंचाई जा चुकी हैं। छात्र हित के लिए जो है कार्य करने के लिए फील्ड में उतरना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है, लेकिन
इस निराशा के दौर में मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता दूं कि आपको जो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो विज्ञापन तिथि से आपको 2 से 3 माह के भीतर ही देखने के मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस बार आपको किसी भी प्रकार का जो है लब्बोलुआब देखने के लिए ना मिले, बल्कि सफलता प्राप्त हो। हमारा टोटल फोकस, टोटल टारगेट जो होना चाहिए वो एक सीट होनी चाहिए, उसी पर हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसा कि आपको सुपर टेट आदि के लिए मीडिया आदि में खबरें मिल रही हैं, और जैसा कि आपको बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी ने भी कहा कि अभी कोई नई भर्ती का प्रस्ताव, नई प्रपोजल नहीं है, मैं आपको बता दूं जैसे ही बीएड केस की का फाइनलाइजेशन होता है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे ही बीएड बेरोजगारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके 1 हफ्ते के भीतर आपको सुपर टेट के 2 विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, एक एडेड जूनियर का और एक आपका प्राइमरी लेवल का। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, यह मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, निश्चित आएगा विज्ञापन, पहली चीज। और दूसरी चीज, एलटी ग्रेड जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य छात्र हित में हो रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के भीतर आपके अध्याचन के लिए पोर्टल खुलवाना कोई मामूली कार्य नहीं था। कंप्यूटर साइंस जैसे विषय को शामिल कराने की जानकारी मैंने 4 महीने पहले दी थी तो सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, कह रहे सब हवा हवाई बात करते हैं। जब उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिस जारी हो गई, तब सब लोगों के कान खड़े हो गए, अरे ये कैसे हो गया, इसकी तो चर्चा ही नहीं थी, बातें नहीं थी। तो यही चीजें होती हैं, जो कार्य हम आप लोगों के लिए लगे हुए हैं कर रहे हैं, उन कार्यों का क्या परिणाम होगा इसके बारे में हमें इल्म है, हमें जानकारी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए ताकि इस बार आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। हमारा प्राइम टारगेट है आपको सफल बनाना, आपको सफलता दिलाना। वैकेंसियां तो बहुत आती है, बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें 2008-2009 के बीएड होंगे जो कि लगातार टीजीटी पीजीटी देते आए, एलटी ग्रेड जीएससी देते आए हैं, लेकिन आज भी वो असफल हैं क्योंकि उनकी तैयारी संपूर्ण नहीं। जब आपकी तैयारी संपूर्ण होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, विज्ञापन आदि की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अपने भाई पे छोड़ दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप लोगों के लिए प्रयत्न करता रहा है, और आगे भी हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है, यदि हम अपने माध्यम से रंच मात्र भी छात्र हित कर पाए तो हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। चाहे जलती हुई जेठ की दोपहरी हो, चाहे झुलसा देने वाली लू हो, या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, हमारे एनआईएस डीलेट करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं भेजी, उनकी बातें पीएनपी और बेसिक शिक्षा सचिव तक पहुंच चुकी है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक पहुंच चुकी है, और बहुत जल्दी आप लोगों का परिणाम भी जारी होगा, इस बात की भी हम आपको आश्वासन दे देना चाहते हैं। आप लोग चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, आपको जो जानकारियां दी जाती हैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही सत्य, तथ्यपरक और प्रमाणिक सूचनाएं दी जाती हैं। सोमवार को अर्हता संबंधी विवाद के निपटारे के लिए लोक सेवा आयोग में के तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी जो कार्यदायी व्यक्ति हैं वो अपना प्रेजेंटेशन माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को देंगे, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाला सप्ताह है इसी के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समकक्ष संबंधी विवाद का निपटारा कर देगा और आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। देखिए, आशा की किरण को मसाल की लौ बना लीजिए,
और अपनी तैयारियों को इतना मजबूत बना दीजिए कि आपको सफल होने से कोई रोक ना सके। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपके लिए पॉजिटिविटी लाता रहा है और आगे से भी हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है कि जैसे भर्ती का शासनादेश जारी हुआ, जैसे अध्याचन आदि लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वैसे ही तमाम भर्तियों के जो पुराने पद हैं उनको ऐड करते हुए, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगभग 7,000 बेसिक शिक्षा विभाग से, आपके लगभग 8-9,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग से, अर्धशासकीय और शासकीय दोनों विद्यालयों की बात मैं कह रहा हूँ, इसमें टीचर हर वर्ष रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके सारे पदों को अध्यात्म में, चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जून 2023 तक का अध्यात्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, तो जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या बढ़नी तय है, और जिन पदों पर अभी तक समायोजन नहीं हुआ है उन तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी इसमें ऐड कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं, और आगामी समय में इन पदों को इसमें ऐड भी करा दें। निश्चित रहिए, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस शामिल करा दिए, जैसे आपका हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से आपको छूट दिला दिए, जैसे आपके लोगों के 50% वाले मुलम्बे को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, जैसे एलटी ग्रेड में 40% की जो अनिवार्यता थी जीएस के लिए, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दे दूं, एलटी ग्रेड में 40% वाली जो जानकारियां निकल करके आ रही थी उसे भी अध्यक्ष महोदय से मिल करके हम लोगों ने सेट आउट करा दिया। अब वो चीजें लागू नहीं होंगी, आपको 40% पाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का मिलेगा। बहुत ही जल्दी आपको केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिस गजट नोटिफिकेशन आपको लोगों के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए देखने के लिए मिलेगा, जो कि संपूर्ण देश के लिए होगा, पूरे स्टेट के लिए होगा। और पूरे देश में जैसे सवर्ण रिजर्वेशन लागू हुआ है, वैसे ही एज रिलैक्सेशन, फीस में छूट, ये सारी चीजें ओबीसी एससी एसटी की तरह आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, सपोर्ट करिए अपने इस चैनल को, ताकि ये चैनल आसमान की बुलंदियों को छुए और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा 2 कदम आगे रह करके कार्य करें। यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो 15 मई तक आपका जारी होगा। जो हमारे भाई बहन यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जी जान से जुड़ जाए, हमारे साथ में जुड़िए, हम आपको एक सीट प्राप्त करने में पूरी सहायता प्रदान करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, निराशा में आप लोग ऐसे कंटेंट को ना देखा करिए जो कि आपसे केवल निगेटिविटी की बातें करते हैं। और जब हमारे प्रयत्नों के माध्यम से जो कोई कार्य होता है तब ये लोग भी चिल्लाने लगते हैं, माहौल बनाने लगते हैं, आ रही है, ये है, शासनादेश आ गया, ये हो गया, और उसके पहले कोई जानकारी आपको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आराम से जो है कूलर पंखे में बैठ करके वीडियो बना करके डालना बहुत आसान कार्य होता है, लेकिन फील्ड में उतर करके आप लोगों के लिए झुलसा देने वाली गर्मी में कार्य करना बेहद मुश्किल, जिसमें कोई लाभ नहीं है, कोई वो नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए जो जुड़ाव है, जो आप लोगों से मेरा स्नेह बन चुका है, उस स्नेह के लिए, उस आशीर्वाद के लिए, उस सहयोग के लिए, उस प्यार के लिए और उस भरोसे के लिए हम सदैव कार्य करते रहे हैं। आगे भी हमारी यही इच्छा है कि हम उस भरोसे को कायम रखने के लिए आगे भी कार्य करते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, और जो भी अपडेट होगी, आज लोक सेवा आयोग नहीं जाना हो पाएगा, लेकिन आज जो चीजें होंगी, ज्ञापन आज देने का दौर चलेगा, जो जानकारियां निकलेंगी, जो भी अपडेट निकलेगी, सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, और जो सूचनाएं आपको प्रदान की जाती हैं वो सारी सूचनाएं आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, नेशनल मीडिया में, सारी जगह सोशल मीडिया में हर जगह जो है छाई हुई होती। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, फेसबुक पे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी में कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने के लिए इस चैनल का बहुत बखान किया गया था, एक लंबा चौड़ा लेख ही लिखा गया था कि किसी भी यूट्यूब चैनल ने कोई जानकारी नहीं दी थी, सब कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सरकार मान ही नहीं रही, नहीं करा रही,
लेकिन उन्होंने कहा कि सार्थक गवर्नमेंट जा पॉइंट यूट्यूब चैनल का वीडियो आप देख लीजिए, उन्होंने 4 महीने पहले ही बता दिया था कि हमने इस विषय को शामिल करा दिया है और ये विषय विज्ञापन में शामिल होगा और उसका बाकायदा चयन बोर्ड ने नोटिस भी जारी कर दिया, तब सभी लोगों ने जानकारी आ दी। तो मैं ऐसे भाई बहनों को दिल से प्रणाम करता हूँ जो इस तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया आज पर इस चैनल के प्रति लिख रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। कुछ जो है मतलब सहयोगी होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, ये दुनिया है, कोई आपको सपोर्ट करेगा तो कोई आपको विरोध करेगा, लेकिन मैं दोनों पक्षों को, विरोधियों को भी और अपने सहयोगियों को भी दिल से प्रणाम करता हूँ। निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी बनाए, रहीमदास ने खुद ही कहा है ये चीज, ठीक है ना। तो जो निंदा करने वाले हैं वो हमारे सपोर्टरों से भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब तक वो निंदा नहीं करेंगे तब तक फेमस कैसे होंगे, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है ना। तो आप लोग अपने कार्यों में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि निराशा बहुत आती है लेकिन आशा की किरण जो है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करने का कार्य करता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का कार्य करता है। क्या है टीजीटी, क्या है एलटी, क्या है जीआईसी, कुछ नहीं है महाराज, बस एक बार बढ़िया से तैयारी करके तो देखो, मारा चट्ट से मारा पट्ट से क्लियर हो जाए तो धन्यवाद। कुछ नहीं रखा है इन सारी चीजों में, बस ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की ईमानदारी से तैयारी कर लो, 4 महीने की केवल तैयारी करनी है, केवल 4 महीने की। अगर आप 4 महीने तैयारी कर पाने में सफल हुए, मैं गारंटी देता हूं ना तो आपको एलटी भारी लगेगी, ना टीजीटी भारी लगेगी, ना पीजीटी भारी लगेगी, ना जीआईसी भारी लगेगी, ना आपको खंड शिक्षा अधिकारी भारी लगेगी। खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है, सब कटाव वटाव क्लियर हो गया ना, अब सारे रास्ते उसके क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। अब विज्ञापन उसका भी बहुत जल्दी आने वाला है, निश्चिंत रहिए, तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।